क्वेश्चन नंबर 10 इज फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट 27y³ प्लस 125z³ एंड सेकंड पार्ट इज 64m³ माइनस 343n³. डियर स्टूडेंट, ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है, ये सम ऑफ क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स की फॉर्म में दिए गए हैं. ठीक है, इनमें दोनों ही जो टर्म्स हैं ये परफेक्ट क्यूब हैं, जैसे कि 27y³ 3y का क्यूब है और 125z³ 5z का क्यूब है. ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो यूज हो जाएगी. ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो इसमें यूज कर सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए. इसी तरह से सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है 64m³, तो स्टूडेंट ये 4m का क्यूब है और 343n³ स्टूडेंट किसका होता है, 7 का क्यूब होता है. ठीक है, तो 343n³ 7n का क्यूब हो जाएगा. तो ये डिफरेंस ऑफ क्यूब की फॉर्म में है, तो इसलिए इसमें डिफरेंस ऑफ क्यूब आइडेंटिटी दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम जो आइडेंटिटीज हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इनका यूज करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टोराइज. फर्स्ट पार्ट 27y³ प्लस 125z³. डियर स्टूडेंट, ये सम ऑफ क्यूब्स की फॉर्म में दिया गया है एंड वी नो दैट सम ऑफ क्यूब्स दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. डियर स्टूडेंट, ये सम ऑफ क्यूब्स का फार्मूला है. ठीक है, इसका यूज इस दिए गए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में किया जाएगा. तो जैसे कि 27y³ स्टूडेंट ये 3y का होल क्यूब होता है. सबसे पहले तो इसमें जो टर्म्स है उनको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में बदलेंगे, इस फार्मूले के फॉर्म में चेंज करेंगे. तो 27y³ स्टूडेंट ये है 3y का होल क्यूब. ठीक है, 3y⁻³ लिख लिया और 125z³ है 5z⁻³. अब स्टूडेंट ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में चेंज हो गया, जिसमें जो ए है वो 3y है और बी है 5z. तो 3y³ डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा ए क्यूब और जो 5z³ है ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा बी क्यूब. ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म यहाँ पे बन गई है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे. अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3y + 5z. ठीक है, इंटू ए स्क्वायर. अब ए कितना है, 3y है, तो 3y होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, माइनस ए बी, माइनस ए बी, तो इसमें ए कितना है, 3y है और बी कितना है, 5z है. तो 3y × 5z हो जाएगा. इसके बाद में क्या, प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर, बी कितना है, 5z है. तो इसमें ये हो जाएगा 5z होल ऑफ स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे, 3y + 5z एज इट इज रहेगा, 3y + 5z एज इट इज रहेगा और 3y का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, 3 × 5 = 15yz एंड 5z का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 25z का स्क्वायर z स्क्वायर. ठीक है, तो ये फैक्टर हो जाएंगे 3y + 5z × 9y² - 15yz + 25z² ये फैक्टर हो जाएंगे पॉलिनोमियल 27y³ प्लस 125z³ के. ठीक है, राइट डाउन द सॉल्यूशन. नाउ डू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फैक्टराइज 64m³ माइनस 343n³. डियर स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स एंड वी नो दैट डिफरेंस ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले का यूज करेंगे, बिकॉज इसमें जो टर्म्स हैं वो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में दिए गए और बीच में माइनस का साइन है. तो क्लियर है कि इसको फैक्टराइज करने के लिए आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है,
अब सबसे पहले जो इसके टर्म्स हैं उनको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टूडेंट जो 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, तो 64m क्यूब को आप लिख सकते हैं 4m टू द पावर 3 एंड 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है। 7 का क्यूब इज 343, तो 343n क्यूब को आप 7n टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूले के फॉर्म में चेंज हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में चेंज हो गया है, जिसमें जो 4m है ये a के प्लेस पे है, ठीक है। तो 4m क्यूब a क्यूब हो जाएगा और जो 7n है ये b के प्लेस पे है, तो 7n क्यूब b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म बन गई है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले से आप इसको फैक्टोराइज कर सकते हैं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का यूज करके, ठीक है। तो a माइनस b स्टूडेंट क्या होगा, 4m माइनस 7n, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस b। और जो इसका सेकंड फैक्टर है वह ए स्क्वायर, अब स्टूडेंट a क्या होगा, a 4m है तो आप लिख सकते हैं इसको 4m स्क्वायर प्लस ab, दैट इज 4m इंटू 7n एंड प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 7n स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको फर्दर, तो इसमें फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4m और माइनस 7n एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 4m का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 4m का होल ऑफ स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एंड m का m स्क्वायर इज m स्क्वायर, ठीक है। तो 4m होल ऑफ स्क्वायर इज 16m स्क्वायर, 4m मल्टीप्लाई बाय 7n, तो 4 7s आर 28, m n की मल्टीप्लाई करेंगे m n, ठीक है, और 7n का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 49n स्क्वायर, ठीक है। सो वी गेट 4m माइनस 7n इनटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलीनोमियल 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टोराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, वी हैव टू फैक्टोराइज दिस पॉलीनोमियल। डियर फ्रेंड, ये पॉलीनोमियल जो है इसमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं और जो सेकंड टर्म है इसमें 4th टर्म है माइनस 9xyz, ये इन टर्म्स का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक आइडेंटिटी होती है जिसमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स परफेक्ट क्यूब होते हैं और जो 4th टर्म होता है वो उन टर्म्स का 3 टाइम्स होता है, ठीक है, उन टर्म्स के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स, ठीक है। दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं फैक्टोराइज करने के लिए। और डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ये आइडेंटिटी इसमें यूज की जा सकती है, बिकॉज इसमें देखिए स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और जो 4th टर्म है ये इनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है। तो इसी तरह क्वेश्चन में भी जो 3 टर्म्स हैं शुरू के, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब हैं, जैसे 27x क्यूब 3x का क्यूब है और y क्यूब y का क्यूब है, z क्यूब z का क्यूब है, और 9xyz जो है ये है 3xyz का 3 टाइम्स, ठीक है। तो क्लियर है कि इस पॉलीनोमियल को फैक्टोराइज करने के लिए हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो एक्सपेंशन है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है इस आइडेंटिटी का। तो हम क्या करेंगे, दिए गए पॉलीनोमियल को फैक्टोराइज करने के लिए इसका यूज करेंगे, क्योंकि दिया गया पॉलीनोमियल इस फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको फार्मूले के LHS के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए क्यूब जो है इसमें कितना हो जाएगा, 3x क्यूब, तीनों टर्म्स को परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, 27x क्यूब जो है ये क्या होता है, 3x का क्यूब होता है, और y क्यूब एज इट इज रहेगा, z क्यूब भी एज इट इज रहेगा,
बाद में माइनस थ्री ए बी सी है, माइनस थ्री, अब इसमें इसमें ये क्या है, ए है इसमें थ्री एक्स और बी है वाई, ठीक है, और सी है जेड, तो माइनस थ्री ए बी सी, ए बी सी माइनस थ्री इंटू ए दैट इज थ्री एक्स इंटू बी दैट इज वाई इंटू सी दैट इज जेड, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है दिया गया पॉलीनोमियल इस फार्मूले के एलएचएस के फॉर्म में चेंज हो गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, थ्री एक्स जो है ए के प्लेस पे है तो थ्री एक्स क्यूब जो है वो ए क्यूब हो जाएगा, वाई बी के प्लेस पे है, ठीक है, तो वाई क्यूब जो है वो बी क्यूब हो जाएगा, और जेड सी के प्लेस पे है तो जेड क्यूब जो है वो सी क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा थ्री ए बी सी। तो क्लियर है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्म इसमें बन चुकी है, ठीक है। तो इस फार्मूले के आर एच एस का यूज करेंगे अब, जिससे कि हमें इसके फैक्टर मिल जाए। तो इसका जो एक्सपेंशन है इस फार्मूले का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, अब इसमें डियर फ्रेंड ए क्या है, थ्री एक्स है तो थ्री एक्स आ जाएगा ए के प्लेस पे, प्लस बी, बी है वाई, ठीक है, तो बी के प्लेस पे वाई लिख दिया, प्लस सी, सी के प्लेस पे जेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन जेड स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज थ्री एक्स इंटू वाई माइनस बी सी दैट इज माइनस वाई इंटू जेड माइनस सी ए दैट इज जेड इंटू थ्री एक्स। ऑल राइट, तो इसका यूज करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। अब ये थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, थ्री एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इसमें नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थ्री एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा थ्री एक्स वाई, वाई जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड मिलेगा, और जेड इंटू थ्री एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट मिलेगा थ्री जेड एक्स, ठीक है। तो ये फैक्टर मिल जाएंगे हमें दिए गए पॉलीनोमियल के, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो ये है थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा फैक्टर है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री जेड एक्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। सो यू कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।